झारखंड में आए दिन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी घटना दुमका की थी, उसके बाद गढ़वा, न जाने कई अन्य ऐसे जिले भी अब जुड़ते जा रहे हैं जहां पर लव जिहाद एवं कई अन्य मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम अभी गोविंदपुर में हैं और यहां पर कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर बताइए, क्या लग रहा है कि झारखंड में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? आप देख भी रहे हैं और आप जिस प्रोफेशन से संबंधित हैं, अनेक दिन रात सुबह शाम यही समाचार है। सरकार का काम केवल वोट बैंक की राजनीतिक है और वह अपना भविष्य 2024 कैसे हो इसको सुरक्षित करने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार है। आंख मूंद कर अल्पसंख्यकों का जो है वह पूरा का पूरा समर्थन सरकार कर रही है, आंख मूंदे हुए है। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुसंख्यक समाज सड़क पर होगा, सीधा सीधा संघर्ष होगा, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार पर होगी। क्या लग रहा है कि ये जो अल्पसंख्यक खुद को कहते हैं, क्या वो अब कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? यह अल्पसंख्यक अब नाम के रह गए हैं, यह बहुसंख्यक पर हावी होना चाह रहा, क्योंकि इनका संरक्षक अनेक जो है राष्ट्र विरोधी तत्व से जुड़े हुए हैं। गठबंधन की सरकार है इसकी। आप देखें, कुछ ही दिनों पहले झारखंड सरकार अस्तित्व में आने के उपरांत विधानसभा भवन के सामने नमाज पढ़ने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए भवन का निर्माण की स्वीकृति उन्होंने दिया। हाल फिलहाल उसको ठीक कुछ दिनों के पहले ही साहेबगंज में एक आदिवासी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद अनेक अनेक घटनाएं घटी जो समाचार पत्र में उजागर ही नहीं हुई। अब कुछ ही दिनों पहले जामताड़ा में 75% स्कूल, 90% विद्यालय में फ्राइडे हॉलीडे यानी शुक्रवार को जो है मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत जो है वह नमाज अदा कर सके और उस दिन छुट्टी का कर दिया है, और जो कि रविवार जो है, जो कि आज से नहीं जब से हमारा संविधान चल रहा है तब से सारे विद्यालय में चल रहा है। तो ऐसे अनेक उदाहरण है और आने वाले दिनों में तो झारखंड का अस्तित्व क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो है जो सामाजिक वातावरण और परिवेश बिगड़ रहा है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, इधर 1932 का खतियान को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भाषाई आंदोलन की वजह से झारखंड में टकराव की स्थिति बन जाएगी और सरकार भी है जो अब हाँ में हाँ मिलाने लगी है। देखिए, सरकार जो है वह बैलेंस लेकर चल रही है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदे देखते हैं, इस पर कुछ ठोस रूप से कहना जल्दीबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इसमें कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो ताकि सभी वर्ग के लोग जो है वह खुश इसमें रहेंगे। कुछ दिन पहले ही आपने देखे होंगे भोजपुरी और मगही भाषा को इन्होंने लागू कर दिया, जबकि एक तरफ कहते हैं कि हम पूरा झारखंडी हैं। उसका धनबाद और बोकारो में इतना विरोध हुआ कि सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा। आप बताइए सर, क्या लग रहा है कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? कुल मिला के झारखंड सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार में कहीं भरोसा नहीं। क्या वजह है कि सरकार पे हम लोगों का भरोसा या फिर आम लोगों का भरोसा टूट रहा है? क्योंकि इनके पास में जो मंत्रालय है वहीं IAS के संरक्षण दिया हुआ, वो सब चोरी कर रहा है, जितना भी इनका ये है सब तो चोर है। क्या प्राकृतिक संसाधनों की लूट भी जबरदस्त हो रही है? एकदम लूट हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, डेली पत्राचार से हम लोग को समाचार मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक तबका है वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? एकदम हो गया है, एकदम हो गया। किन किन मामलों में आप लोगों को ऐसा लग रहा है? सभी क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में। अभी जो कुछ घटनाएं हुई उसका कुछ जिक्र करके बताएं। देखिए ना, आप दुमका में, गढ़वा में, देवघर में, दिल्ली को मिल ही रहा है। क्या यानी कि लव जिहाद को लोग पूरी तरह से लेकर एकदम हावी है? लव जिहाद एकदम हावी है और संरक्षण भी है, ये सरकार में संरक्षण दिया हुआ है। अच्छा, एक दो तीन दिन पहले यहाँ सिंदरी में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गर्माया हुआ था, कई परिवारों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, उसको लेकर ग्रामीणों ने बवाल किया। क्या लग रहा है कि ईसाई मिशनरियों पर भी सरकार की कोई कंट्रोल नहीं? एकदम कहाँ कंट्रोल, अगर होता तो कार्रवाई होती। लोग वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं, लास्ट में समझौता हो गया। सर आप बताइए, क्या लग रहा है कि झारखंड में जो ये अल्पसंख्यक तबका है बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? एकदम, ये लोग बहुत बढ़ावा हो गया है, बार बार ऐसा दंगा फसाद और इस तरह का बात भी बोलता है बाजार में कि आदमी को झगड़ा करना पड़ता जाता है, समझे ना।
और ये लोग जब से झारखंड सरकार हुआ है तब से ये लोग। झारखंड में हेमंत सोरेन क्या लग रहा है कि बेटियों की सुरक्षा देने में सफल नहीं हो रहे? नहीं। किन किन वजहों से आपको ऐसा लग रहा है? इस तरह हो रहा है माहौल, हम लोग शहर में गाँव में इस तरह का हो रहा है, पेपर पढ़ रहे हैं, टी वी में देख रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। बेटियाँ सुरक्षित हों इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? कानून व्यवस्था को कड़ा करने के ही, और क्या कानून व्यवस्था। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है? कौन कौन तत्व बोल रहे हैं? चलिए आप बताइए सर, क्या लग रहा है कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं है अब झारखंड में? झारखंड वर्तमान की इस सरकार के तुष्टिकरण की राजनीति के कारण झारखंड के बेटी को, सभी समुदाय के बेटी को ही दिक्कत है। ऐसा नहीं कि विशेष कोई एक समुदाय की लड़की को दिक्कत है, सभी समुदाय को दिक्कत है ये। और ये सरकार अपना विशेष कोई एक समुदाय को ले कर चला हुआ है, उसी को बढ़ावा दे रहा है। और बढ़ावा देने के कारण क्या है कि मनोबल जो है उन लोगों का बहुत ऊंचा हो गया है। ऊंचा होने के कारण इस तरह का घटना आए दिन घटने जा रहे हैं। हर एक जिला में आपको देखने को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस मीडिया माध्यम से कि हर एक जिले में इस तरह का घटना घटते जा रही है। सरकार क्या तुष्टिकरण की नीति अपना रही है? एकदम तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। सिर्फ एक विशेष समुदाय को ध्यान दे के चला हुआ है। उन लोगों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि हमारा ये सरकार है, हमारा इस सरकार में हमारा कुछ नहीं होगा, इसको देखते हुए लोग क्या है कि हर एक मतलब महिला को अपना शिकार बना के जा रहा है। लव जिहाद भी बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। बहुत ज़्यादा लव जिहाद भी हो रही है। लव जिहाद के कारण क्या है कि लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसीलिए लव जिहाद हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता लग रही है? इस पे झारखंड सरकार को थोड़ा कड़ा कानून अपनाना होगा, कड़ा रुख अपनाना होगा, तब जाके हम लोग का माँ बेटी बहन को सुरक्षा मिलेगा। सरकार को तो करना ही है, इसमें जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की चीज़ है। जिला प्रशासन भी जो है ढीला छोड़ी हुई है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जहाँ तहाँ महिला को छेड़खानी और आते जाते टोन कसना, बहुत तरह का चीज़ होता है। इस पर भी जिला प्रशासन अपना कड़ा रुख नहीं अपना रही है। अभी हाल के समय में जिस तरह से अपराध में वृद्धि देखने को मिली है और जैसे भी बैंक मोड़ में घटना हो गई, हालांकि पुलिस ने उसने अच्छा काम किया, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है झारखंड के वो बेहतर तरीके से लूटे जा रहे हैं। इसका व्यवस्था चरमरा चुका है, ये इसके बस की बात नहीं है। और अभी और माजी में भी देखे होंगे आप लोग कि वहाँ का लड़की लोग को खुलेआम चेतावनी और धमकी दिया जा रहा है कि हाँ विद्यालय में जाके कि आप लोग को हम लोग उठा लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, इस तरह का मतलब तुष्टिकरण भी किया जा रहा है। इस पर झारखंड सरकार एकदम सुता हुआ है, इस पर कुछ कड़ा रुख अपनाने का ज़रूरत है। अंकित आप बताइए, ये जो वर्तमान की जो स्थिति है झारखंड की, आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, खासकर झारखंड के हेमंत सरकार की अगर बात करें? ये सरकार पूर्ण रूप से फेल सरकार है। ये तुष्टिकरण की राजनीति इतना हावी हो गया है कि यहाँ पर महिलाओं का सुरक्षा का जो मुद्दा है वो देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। चाहे वो रांची का घटना हो जाए, चाहे दुमका का घटना हो जाए, चाहे और मांझी का घटना हो जाए, सरकारें इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। दंगाइयों को यहाँ सरकार हेलीकॉप्टर से बुलाती है, उनका सम्मान करती है, लेकिन महिलाओं का सुरक्षा का जो है वो जिम्मा किसी के ऊपर नहीं है। और ये जिम्मा एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही गलत है। उसके साथ साथ झारखंड में बहुत सारे चीज़ हैं जो कि झारखंड को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जब हावी है क्या तुष्टिकरण बहुत ज़्यादा हावी है अभी जो भाषा पे और यहाँ 32 के खतियान पे, तो झारखंड सरकार में भी कुछ पार्टी ऐसे हैं जो मिलकर झारखंड सरकार बनाए हैं, उनके विधायक मंत्री खुद हैं जो बिहार से कोई यहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो उनका 32 का खतियान के हिसाब से फिर वो क्या करेंगे? वो अपने 32 का खतियान को लाएंगे कि विधायकी छोड़ेंगे कि मंत्रालय छोड़ेंगे? आप बताइए भैया, क्या लग रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है पूर्ण रूप से। अभी जामताड़ा में देख लीजिए, ये जो अंकिता सिंह के साथ घटना हुई, ये तो दुमका में हुई। हाँ, दुमका में हुई थी वो घटना, में उसे प्रताड़ित किया गया घर में, मैंने उसके घर में जाकर अगला लड़की को पेट्रोल दे के छिड़ के आग लगा दिया गया। वो मर्मिक घटना जो अभी हुई है उसको देखते हुए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के लोग पर। वो तो हाँ, और मांझी में भी घटना हुई,
बोला जा रहा है, उनको दबाव दिया जा रहा है लड़की लोग को स्कूल में जाके कि उनके साथ कुछ भी कर दिया जा सकता है। क्या लग रहा है कि विशेष तबका जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है? सब मैंने ये सरकार जो है, हाँ हो चुका है, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, आपस में मतभेद फैला रही है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रही है। सरकार को किस तरह से काम करने की आवश्यकता है और क्या लग रहा है झारखंड सरकार का भविष्य ज़्यादा लंबा है? नहीं, झारखंड सरकार का भविष्य ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार जनजाति को लड़ा रही है, बिहारी वो हिंदू वो मुस्लिम यही कर रही है, इसी में वो फंसे हुए हैं और इनकी राजनीति ये है कि हर एक समाज को तोड़ के चलना है। 1932 के खतियान पर एक बयान आया था मुख्यमंत्री का, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम लाएंगे तो कोर्ट में वो ध्वस्त हो जाएगा, और फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसी मुद्दे पर आगे चलेंगे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री के ही बयानों में विरोधाभास है? सही बात है, 1932 खतियान यदि लागू हो जाता है तो यहाँ पे माननीय विधायक सांसद जी हमारे बिहार के रिलेशन से हैं, वो हो गए, बहुत सारे विधायक जो हैं कि पूर्ण रूप से बिहारी वोट से ही बनते हैं, यदि वो ये बोल देंगे कि हम यदि भाषा को छोड़ सकते हैं तो वो कहाँ के रहेंगे, यहाँ 3 करोड़ टकराव की स्थिति बन जाएगी, विधायक ही छोड़ने मैंने उसको छोड़ना पड़ेगा, यही दिक्कत है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने कई लोगों से बात की, स्पष्ट है कि झारखंड में जो सरकार की वर्तमान क्रियाकलाप है इससे लोगों में नाराजगी है, और अभी हम जोइनपुर के लोगों से बात कर रहे थे, ये तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनका कहना है कि सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके अलावे जो भाषा के आधार पर खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति के नाम पर टकराव की स्थिति बन रही है, जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री का बयान आया था उसके बाद कई संगठन अब एक तरह से हावी हो चुके हैं और वो कई तरह के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं टकराव पैदा कर सकता है भविष्य में। सरकार को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है और बेटियां कैसे सुरक्षित हो इस पर कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वैसे तबके जो कई दफ़ा ऐसे घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, उन पर भी जोरदार तरीके से अंकुश लगाने के साथ साथ जो भाषा को लेकर के और स्थानीय नीति को लेकर के जो टकराव की स्थिति बन रही है उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, News 22 स्कोप, धनबाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हद से अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुलदोस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News 22 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News 22 स्कोप ऐप।